हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.2 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है कॉस एक्स बराबर माइनस का 1/2, और आपको बोला गया है एक्स जो आपके पास यहाँ पर कोण है वो एक तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। एक होता है आपके पास साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, फिर आपके पास कॉट आएगा, फिर सेक और फिर कॉसेक होता है। तो यहाँ से देखिए, आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है और आप देख रहे हैं आपको कॉस का मान तो दिया हुआ है। कॉस एक्स अर्थात कॉस जो त्रिकोणमितीय फलन है और एक्स आपके पास कोण है। तो अब आपको बाकी पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि साइन जो आपके पास होता है वो आपके पास लंब बटे कर्ण आता है, और कॉस आपके पास आ जाएगा आधार बटे कर्ण, और आप देख रहे हैं टेन का मान आपके पास होता है साइन बटे कॉस, या आप बोल सकते हैं कि लंब बटे आधार। और देखिए, कॉट जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है अर्थात 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक को आप 1/cos लिख सकते हो क्योंकि ये कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉसेक को 1/sin में लिख सकते हो आप। तो आपको देखिए, ये तो समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी त्रिभुज के आधार पर कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि लंब कर्ण और आधार ये तो किसी एक त्रिभुज में ही आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम पहले मेथड से हल करेंगे इस प्रश्न को। तो यहां पर आप देखो, आपको कॉस एक्स बराबर माइनस 1/2 दिया गया है। अब माइनस चिन्ह को आप छोड़ दीजिएगा, वो माइनस चिन्ह तो इसलिए लगा गया है क्योंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, और आप जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में कॉस हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अभी आप देखिए, कॉस एक्स का मान आपके पास 1/2 दिया है, और कॉस एक्स आपके पास होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार और कर्ण का अनुपात आपके पास 1/2 दिया है। तो अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और अगर आप इस कोण को एक्स बोल दें, तो आपके पास आधार और कर्ण का अनुपात 1/2 है, अर्थात अब आप आधार को के बोल सकते हैं तो कर्ण को आप 2k बोल देंगे। तो इसी तरीके से अगर आपने इस त्रिभुज को जैसे ए बी सी बोला, तो आपके पास ए सी का स्क्वायर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां से आपके पास ए सी का स्क्वायर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अर्थात 4k² माइनस बी सी का स्क्वायर अर्थात k². तो देखिए, ए सी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3k², और यदि आप ए सी निकालेंगे तो आपके पास √3 गुणा के आ जाएगा। तो देखिए, आपने ए सी भी निकाल लिया, ये आपके पास √3 गुणा के आ गया। अब यहां से आप देखिए, साइन का मान निकालते हैं। तो साइन एक्स अब बोल देंगे क्योंकि हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन एक्स का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए, लंब बटे कर्ण, अब लंब आपके पास देखिए, इस एक्स के लिए लंब है ए सी और कर्ण है 2k, मतलब ए बी, तो आपके पास √3k/2k आ जाएगा, और हल करने पर ये आपके पास √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, कॉस एक्स तो आपके पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आधार बटे कर्ण। एक बार हम लिख भी लेते हैं ढंग से समझाने के लिए। तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार के हो जाएगा और कर्ण आपके पास 2k हो गया, तो k/2k आ गया, तो 1/2 आ गया। अब आप देखिए, टेन का आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। टेन एक्स में आप लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, या लंब बटे आधार कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कोशिश करें कि आप सीधे साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर दें, तो आप देखिए √3/1 आपके पास आ जाएगा, अर्थात √3 आ गया। कॉट एक्स आपके पास देखिए 10 का उल्टा होता है, अर्थात 1/√3 आ जाएगा। सेक एक्स आपके पास कॉस एक्स का उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स तो 1/2 था, और कॉसेक एक्स आपके पास साइन का उल्टा अर्थात 2/√3 हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर आपने सभी के न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिख दी है, अर्थात मापांक वाले मान तो लिख दिए। अब आप यहां पर देखिए, अभी तक हमने इस बात का यूज नहीं किया कि x तीसरे चतुर्थांश में है। x तीसरे चतुर्थांश में का मतलब है कि कोण आपके पास तीसरे चतुर्थांश में है, और आप जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को जिसको हिंदी में हम चतुर्थांश बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली आपके पास टेन और कॉट केवल पॉजिटिव होते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया कि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट ही आपके पास पॉजिटिव आएंगे। तो अब जो भी आपके पास और त्रिकोणमितीय फलन लिखे हैं टेन और कॉट के अलावा, आप उनमें माइनस चिन्ह लगा देंगे।
तो देखिए आपके पास आ जाएगा साइन एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2, तो ये अभी बिल्कुल सही हो चुका है। कॉस एक्स भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। टेन एक्स आपके पास धनात्मक ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। कॉट एक्स आपके पास बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो धनात्मक ही रहेगा। सेक एक्स भी माइनस 2 आ जाएगा और कॉसेक एक्स भी माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो ये आपके पास देखिए छों त्रिकोणमितीय फलन आपने लिख दिए, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कॉस एक्स तो आपको पहले से भी दिया था, तो आपने बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए। तो ये आपके पास मेथड एक आ चुका है। अब आपको मेथड दूसरे से हम इस सवाल को हल करके दिखाते हैं। तो देखिए मेथड दो से यदि हम इस सवाल को हल करेंगे, तो आपके पास दिया हुआ था कि कॉस एक्स बराबर माइनस 1/2 और एक्स आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में है अर्थात तृतीय चतुर्थांश में है। तो अभी आप देखो कि आपने एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका पढ़ ली है जो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का मान आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स तो माइनस 1/2 है, अर्थात आप कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि हल करने पर 3/4 आ जाएगा। अब ये देखिए आपके पास तो साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है, आपको तो साइन एक्स निकालना है। तो साइन एक्स का मान आप देख सकते हैं आपके पास प्लस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा और माइनस का अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो कि एक्स साइन एक्स के मान आपके पास 2 आ गए। अब इस बात का आप यूज करेंगे कि एक्स तो तृतीय चतुर्थांश में अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन तो नेगेटिव होता है। तो देखिए अगर साइन नेगेटिव होता है तो इस मान को आप लेंगे नहीं, अर्थात अब आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास साइन एक्स का मान माइनस का अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो देखिए कॉस एक्स का मान आपको पहले से दिया था प्रश्न में, साइन एक्स का मान आपने निकाल दिया, अब आप सीधे टेन कॉट सेक और कॉसेक निकाल सकते हैं। तो देखिए टेन एक्स यदि आप निकालोगे तो वो तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है। तो अगर आप साइन एक्स बटे कॉस एक्स करोगे तो माइनस का अंडर रूट 3/1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कॉट एक्स निकालोगे तो आप कॉस एक्स बटे साइन एक्स भी बोल सकते हो या आप सीधे 1/10x बोल सकते हो। तो आपके पास यहां पर देखिए दोनों में माइनस चिन्ह है, आप देख सकते हैं यहां पर भी माइनस है कॉस एक्स में और साइन एक्स में भी आपके पास माइनस है, तो यहां पर माइनस चिन्ह नहीं रहेगा। अब आप 10x का उल्टा करेंगे तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप sec x निकालोगे तो वो आपके पास cos x का उल्टा होता है। अब cos x माइनस 1/2 है तो sec x माइनस 2 आ जाएगा और cos x यदि आप निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास sin x का व्युत्क्रम होता है, तो आपके पास ये माइनस का 2/√3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बाकी बचे 5 त्रिकोणमितीय फलन भी निकाल दिए। तो आप देखिए अगर आप मेथड 1 से किए गए आंसर को मिलाएं मेथड 2 से किए गए आंसर से तो आपके पास मान सेम ही आ रहा है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, और आपको बोला गया है कि साइन एक्स का मान तो 3/5 है और एक्स आपके पास दूसरे चतुर्थांश में है। तो देखिए सबसे पहले कि अब हम इसको किसी भी मेथड से एक ही मेथड से हल करेंगे, आप चाहें तो मेथड 1 या मेथड 2 किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहां पर मेथड 2 से हल कर देता हूं क्योंकि वो थोड़ा आसान भी है। तो देखिए साइन एक्स का मान आपको मिल गया 3/5 और आपको यह भी समझ में आ गया कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, अतः आपने यहां पर लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप पहले तो यह देख लीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय मान धनात्मक होते हैं। तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे केवल, तो यहां पर मैंने ओनली भी लिख दिया। अब आप ये देखो साइन एक्स का मान तो 3/5 है और आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमिका एक पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अब आप यहां से कॉस एक्स का मान निकालना चाहेंगे क्योंकि साइन एक्स का तो आपको पता है पहले ही, तो कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 माइनस 9/25 आ जाएगा यहां से, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान आपके पास 16/25 आ जाएगा, अर्थात कॉस एक्स का मान आप देख रहे हैं या तो माइनस 4/5 आ जाएगा या 4/5 आ जाएगा आपके पास। लेकिन अब आप देखिए अब आप इस भाग का यहां पर यूज करेंगे, एक्स आपको बोला गया था सेकंड क्वाड्रेंट में अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में, तो जब भी आपके पास कोई कोण द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो वहां पर केवल साइन और कॉसेक ही धनात्मक होंगे, अर्थात कॉस तो आपके पास ऋणात्मक आएगा। तो आप इस मान को तो लेंगे, इस मान को आप नेगलेक्ट कर देंगे अर्थात इस मान को आप कंसिडर ही नहीं करेंगे।
कॉस एक्स का मान देखिए आपके पास माइनस का 4/5 यहां से आ चुका है। अब आपके पास बाकी मान निकालना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेन एक्स का मान यदि आप निकालेंगे तो वो आपके पास साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है, तो आपके पास 3/-4 आ जाएगा, या आप लिख सकते हो माइनस का 3/4। अगर आप कॉट एक्स निकालोगे तो आपके पास टेन एक्स का व्युत्क्रम अर्थात -4/3 आ जाएगा। सेक एक्स निकालोगे तो आपने सीखा था कि ये फॉर्मूला तो 1/cos x होता है, तो आपके पास माइनस का 5/4 आ जाएगा, और कॉसेक एक्स आपके पास 1/sin x अर्थात 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके आपसे आपने बाकी के पांच त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। यहां पर भी आपको देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास कॉट एक्स दिया गया है 3/4, और एक्स आपके पास तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए अगर आपके पास कॉट एक्स दिया गया है 3/4 और आपको बोला गया है कि एक्स आपके पास तृतीय चतुर्थांश में है, अर्थात आप लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट अर्थात हिंदी में चतुर्थांश ही होता है, तो आपको ये समझ में आता है कि तीसरे चतुर्थांश में आपके पास केवल टेन और कॉट ही धनात्मक होते हैं। तो आपने ये तो समझ में आ गया। तो अभी आप ये देखो कि कॉट एक्स का मान तो आपके पास आ गया, तो आपने एक कॉट एक्स वाली एक सरसंख्या भी पढ़ी थी जिसमें कॉट एक्स का यूज आ रहा हो, तो आपने पढ़ी थी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स आपके पास 1+cot²x के बराबर होता है, ये आपको कंटस्ट भी होनी चाहिए थी। तो अभी कॉसेक स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा 1+cot²x आपके पास देखिए 9/16 आ जाएगा, तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये 25/16 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास कॉसेक एक्स का मान -5/4 आ जाएगा, और 5/4 भी आ सकता है, लेकिन आप देखिए कि एक्स तृतीय चतुर्थांश में अर्थात वहां पर तो केवल टेन और कॉट ही धनात्मक होते हैं, अर्थात कॉसेक एक्स आपके पास ऋणात्मक आएगा, तो आप 5/4 को यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, या आप बोल सकते हैं कि आप इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो कॉसेक एक्स का मान आपके पास माइनस का 5/4 आ गया। तो अगर आपको कॉसेक एक्स मिल गया तो आप तुरंत साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके पास 1/cos x ही होता है, तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4/5। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉसेक एक्स आ चुका है, साइन एक्स आ चुका है और कॉट एक्स आ चुका है, तो देखिए आप टेन एक्स भी लिख सकते हैं, और वो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और आप उसको लिख सकते हैं 1/cot x के बराबर भी, तो देखिए ये आ जाएगा 1/cot x अर्थात 4/3। तो अभी आप ये देखिए टेन एक्स का मान तो आपके पास 4/3 आ गया, अब आपको कॉस एक्स निकालना है, कॉस एक्स, तो देखिए कॉस एक्स यहां से आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन एक्स बटे साइन एक्स, तो देखिए टेन एक्स आपके पास ये है और साइन एक्स आपके पास ये आ चुका है, तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/5, तो देखिए कॉस एक्स भी आ गया। अब आपको केवल सेक एक्स बचा निकालने को, और सेक एक्स आप जानते हैं 1/cos x के बराबर होता है, अर्थात कॉस एक्स का व्युत्क्रम होता है, तो ये यहां से आपके पास माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने बाकी के पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान भी ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, और आपको sec x दिया गया है 13/5 के बराबर, और आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बोला गया है कि x तो आपके पास चतुर्थांश में है, अर्थात आप बोल सकते हो कि x आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन धनात्मक होता है केवल उनको लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास केवल cos और sec ही धनात्मक होते हैं। तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि केवल cos और sec ही धनात्मक होंगे, तो अगर आपके पास sec x आ चुका है 13/5, तो आप cos x बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि cos x आपके पास 1/sec x होता है, तो यहां से देखिए 5/13 आ जाएगा। और यदि cos x आ चुका तो अब आप देखिए sin²x + cos²x = 1 वाली त्रिकोणमितीय सरसंख्या का अब आप यूज करेंगे, तो देखिए sin²x आपके पास हो जाएगा 1 - cos²x, और cos x का मान आप 5/13 लगाएंगे तो 1 - 25/169 आपके पास हो जाएगा, अर्थात 169, जिसको हम 169 भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए sin²x आपके पास हो गया यहां से
169 माइनस 25 बटे 169 अर्थात 144 बटे 169। तो यहां से आप देखिए कि साइन एक्स का मान आपके पास आ जाएगा माइनस का 12/13 और 12/13 भी आ सकता है। तो अब आप ये देखो कि एक्स तो आपके पास चतुर्थांश में था अर्थात साइन एक्स आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस 12/13 तो आपके पास बिल्कुल सही आया है। लेकिन अब आप इस 12/13 को कंसिडर नहीं करेंगे अर्थात नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो धनात्मक आया है और आपको तो पता था कि x यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए अब आपके पास साइन एक्स भी आ चुका, आपने कॉस एक्स भी निकाल लिया और सेक एक्स तो आपको दिया हुआ ही था। तो अभी आप टेन एक्स निकालेंगे। टेन एक्स आप जानते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स के बराबर होता है। तो देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12/13 और बटे 5/13। तो आप देखिए 13 से 13 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टेन एक्स का मान आपके पास माइनस का 12/5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप कॉट एक्स निकालेंगे तो आप जानते हैं कि वो तो टेन एक्स का व्युत्क्रम होता है, तो ये आपके पास माइनस का 5/12 आ जाएगा। और अंत में आपके पास बचा है कॉसेक एक्स निकालने को। तो देखिए कॉसेक एक्स आप जानते हैं 1/sin x होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 13/12। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने सभी पांचों अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए और आपके पास टेन एक्स दिया गया है माइनस 5/12 और एक्स आपको बोला गया है कि दूसरे चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है आप वो लिख लीजिएगा, टेन एक्स बराबर माइनस का 5/12 और आपको दिया गया है कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है अर्थात आप लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अर्थात हिंदी में चतुर्थांश ही होता है। तो देखिए सबसे पहले हम दूसरे चतुर्थांश में देख लेते हैं कि कौन कौन से मान आपके पास धनात्मक होते हैं। तो आप देखते हैं कि केवल ओनली साइन और कॉसेक ही आपके पास केवल धनात्मक आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में, बाकी सभी मान आपके पास ऋणात्मक होते हैं। तो अभी आप ये देखो कि टेन एक्स का मान तो आपके पास माइनस का 5/12 आपने लिख दिया। अब आप देखिए कि आपने जो तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं पढ़ी थी उनमें टेन एक्स कौन सी वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमिका में आता है, तो आप पाएंगे कि ये तो आपके पास sec स्क्वायर एक्स बराबर 1+tan² x वाली सर्वसमिका हो जाएगी। तो यहां से अब आप sec स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स आपके पास हो जाएगा 1+tan² x अर्थात टेन एक्स का आपको वर्क करना होगा, तो ये 25/144 आ जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे तो 144+25/144 आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपको sec स्क्वायर एक्स मिल गया 169/144। इसका मतलब ये हुआ कि sec x का मान आपके पास या तो 13/12 आ जाएगा या -13/12 आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में था अर्थात वहां sec x तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये मान को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो आपके पास -13/12 बिल्कुल सही मान हो जाएगा। तो यहां से आपको देखिए sec x का मान मिल गया -13/12। तो अब आप cos x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि cos x आपके पास 1/sec x हो जाएगा, तो यहां से ये आपके पास माइनस का 12/13 आ जाएगा। तो देखिए आपने sec x cos x निकाल दिया और tan x आपको पहले से ही दिया था, तो आप जानते हैं कि tan x बराबर तो आपके पास sin x बटे cos x होता है। तो यहां से आपके पास देखिए sin x का मान हो जाएगा tan x गुणा cos x और देखिए tan x और आप cos x का गुणा करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 5/13 के बराबर। तो देखिए आपने यहां से sin x भी निकाल दिया, अब केवल आपके पास cot x और cosec x बचा है निकालने को। तो देखिए cot x ये होता था tan x का व्युत्क्रम, तो tan x आपके पास -5/12 है, तो cot x आपके पास हो जाएगा माइनस का 12/5 और अंत में cosec x हम निकालेंगे। तो cosec x आपके पास होता था 1/sin x के बराबर अर्थात sin x का व्युत्क्रम। तो देखिए sin x तो आपके पास आ चुका है 5/13, तो cos x आपके पास हो जाएगा 13/5। तो इस तरीके से आपने बाकी के पांचों त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कर दिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें आपको बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए और आपको बोला गया है कि साइन 765 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो प्रश्न है वो साइन 765 डिग्री है।
तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि आपके पास साइन में डिग्री में अगर कोई मान दिया है तो 2 पाई गुणा 360, सॉरी एन गुणा 360 डिग्री करके दिया हो प्लस थीटा लिखा हो, तो वो आपके पास हमेशा साइन थीटा के बराबर आ जाता है। तो अभी आप यहां से ये देखो कि ये जो 765 डिग्री है इसको आप लिख सकते हो साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और आप देखिए आप इसको लिख सकते हो साइन 720 डिग्री को आप 2 गुणा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अभी देखिए ये वाली फॉर्म और ये फॉर्म तो आपको बिल्कुल सेम दिख गई, क्योंकि एन तो यहां पर एक पूर्णांक था। तो आपको देखिए साइन एन गुणा 360 प्लस थीटा वाली फॉर्म दिख गई यहां से, तो आपके पास सीधे मान साइन थीटा के बराबर हो जाता था, अर्थात यहां पर आपके पास साइन 45 के बराबर सीधे मान आ जाएगा। और आप साइन 45 जानते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड मान होता है, 1/√2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब साइन 765 डिग्री आपके पास 1/√2 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, और आपको बोला गया है इसका मान निकालना है वो है कॉसेक माइनस में 1410 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको कंटस्ट भी होना चाहिए, कॉसेक माइनस थीटा आपके पास माइनस कॉसेक थीटा होता है, अर्थात ये जो माइनस चिन्ह होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप देखिए आपको बोला गया था कॉसेक माइनस 1410 डिग्री निकालने को, तो आप इस माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे इस फॉर्मूले से, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया, अब आप यहां से ये देखो कि 1410 डिग्री आपके पास, देखिए 360 का यदि आप 4 बार गुणा करोगे माइनस 30 डिग्री बनना है, क्योंकि 360 गुणा 4 आपके पास 1440 डिग्री होता है, माइनस 30 डिग्री हो गया। तो अभी आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉसेक 4 गुणा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अभी आप देखिए कि आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था कि यदि आपके पास कॉसेक एन गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो आप उसे माइनस का कॉसेक थीटा लिखते हैं, क्योंकि जब भी 360 लिखा होता है तब आप किसी भी पर दूसरे त्रिकोणमितीय मान में चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए कॉसेक का कॉसेक ही रहा, और चूंकि अब ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है इसलिए माइनस आ जाता है, तो यहां से ये आपके पास हो जाएगा माइनस। अब आप देखिए इसको आप लिखेंगे माइनस का कॉसेक 30 डिग्री, ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह बिल्कुल सेम थे, और आपने इसका मान लिखा है माइनस का कोसेक 30 डिग्री, तो आपके पास ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री आपके पास मान आ जाएगा। और आप जानते हैं वैसे तो ये स्टैंडर्ड मान है, आपको कंटस्ट भी होना चाहिए, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं कोसेक 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/1/2 अर्थात 2 के बराबर। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो आपका मान 2 ही आएगा। तो ये तो हमने इस मान को एक मेथड से निकाल लिया, यहां पर मैं लिख देता हूं मेथड वन। अब हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, तो दूसरे मेथड से सिखाने का उद्देश्य केवल यही है कि कुछ छात्र कुछ अलग चीज लगाएंगे, जैसे यहां पर हमने कुछ अलग लगाया था वो कुछ अलग लगाएंगे, तो हम देखते हैं उससे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको दिया हुआ था कॉसेक, मेथड टू लिख देता हूं, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो अभी आप ये देखो कि आप इसको लिख सकते हो माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री, क्योंकि ये माइनस चिन्ह तो बाहर चला जाएगा, कॉसेक की प्रॉपर्टी होती है ये। तो अभी आपके पास देखिए माइनस कॉसेक 1410 डिग्री बचा। अब आप इस 1410 डिग्री को देखिए लिख सकते हो माइनस कॉसेक, आप इसे 1080 प्लस, देखिए अगर आप 330 इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि 1080 डिग्री प्लस 330 डिग्री तो आपने लिख दिया, तो माइनस कॉसेक, अब ये देखिए ये आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री। तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं कि यदि आपके पास कॉसेक एन गुणा 360 प्लस थीटा होगा तो आप उसे कॉसेक थीटा ही लिख देते थे। तो देखिए इसका अब आप यूज करेंगे, तो अभी आपके पास ये माइनस कॉसेक 330 हो जाएगा,
और देखिए कॉसेक 330 को भी आप दो तरीके से हल कर सकते हो, और उनको समझाने का केवल उद्देश्य यही है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें लेकिन आप सही गणनाएं करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो देखिए पहले मेथड से यदि मैं हल करता हूं तो माइनस कॉसेक, इसे मैं 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, तो कॉसेक 360 माइनस थीटा आपके पास माइनस का कॉसेक थीटा आता था, अर्थात माइनस का कॉसेक 30 आ गया। ये माइनस और ये माइनस तो ये लिखे हुए हैं, तो अभी आप देखो कि ये माइनस और ये माइनस तो आपके पास प्लस हो जाएंगे गुणा होके, तो कॉसेक 30 आपके पास बचेगा जिसका मान आपके पास 2 आता है। तो आपने यहां से भी देख लिया 2 आएगा। अब हम दूसरे मेथड से कॉसेक 330 को हल कर देते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं माइनस कॉसेक 330 को, कुछ छात्र 270 डिग्री प्लस 60 भी लिख सकते हैं, तो आप यहां पर एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा। आपके पास फॉर्मूला था कि कॉसेक 270 प्लस थीटा आपके पास ये माइनस का सेक थीटा हो जाता है, क्योंकि कॉसेक अगर यहां पर 270 या 90 लिखा होता है तो ध्यान रखो आप चेंज करते हो, तो कॉसेक को आप सेक में चेंज करते हो, और चूंकि आप देखिए 270 प्लस थीटा अर्थात आप चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गए, तो आपने यहां पर माइनस लगा दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस चिन्ह, तो देखिए मैंने पहले लगा दिया, और ये आपके पास माइनस का सेक 60 डिग्री बन जाएगा। तो अभी आप ये देखो माइनस और माइनस ये मिलकर प्लस सेक 60 डिग्री आ गया, और सेक 60 डिग्री आप जानते हैं 2 के बराबर आता है। इस तरीके से भी आपने देख लिया कि आपका मान 2 ही आएगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, और आपको बोला गया है 10 19 पाई बटे 3। तो आप देखिए सबसे पहले तो आपने इसको लिखा 10 और कोष्टक में आपने कोण लिख लिया। अब आप देख रहे हो यहां पर डिग्री नहीं लिखा हुआ है कोण पे, अर्थात ये कोण आपके पास रेडियन में है, तो आप रेडियन में भी लिख सकते हैं या डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रेडियन में ही कर देते हैं इसको, तो 10। अब जब आप 19 पाई बटे 3 देख रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई बटे 3 के बराबर, और वो कैसे किया तो देखिए 19 पाई बटे 3 को यदि आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 6 सही 1 बटे 3 पाई आ जाएगा। इसका मतलब 6 प्लस 1 बटे 3 पाई आ गया, और अब आप पाई का गुणा करोगे तो 6 पाई प्लस पाई बटे 3 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि आपने ऐसे लिख दिया। अब आप एक ये फॉर्मूला देखो कि आपने पढ़ा था 10 n गुणा 2 पाई प्लस थीटा आपके पास 10 थीटा के बराबर आएगा। n गुणा 2 पाई का मतलब ये है n यहां पर पूर्णांक है, तो अगर आप 2 पाई के कितने भी पूर्णांक का मतलब कितने भी चक्कर लगा लें और आप थीटा उसमें जोड़ेंगे तो आपके पास प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो वो 10 थीटा ही आपके पास रहेगा। तो देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म तो बिल्कुल सही एक जैसी बन रही है, क्योंकि n का मान अगर 3 कर दोगे तो आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास 10 थीटा के बराबर आना चाहिए था, अर्थात आप बोलेंगे कि ये आपके पास 10 पाई बटे 3 के बराबर आ जाएगा, और 10 पाई बटे 3 अर्थात अगर आप चाहें तो डिग्री में भी बनाकर आप लिख सकते हैं, तो 10 60 डिग्री हो गया, तो इसका मान आपके पास अंडररूट 3 होता है। तो इस तरीके से आपके पास अंडररूट 3 आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हमने एक तरीके से तो हल कर दिया, अब हम दूसरे तरीके से भी हल करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसको 10 19 पाई बटे 3 को 10 7 पाई माइनस, अब देखिए अगर आप इसे 7 पाई करके लिखोगे तो माइनस का 2 पाई बटे 3 आप लिखोगे, क्योंकि आप देखिए अगर आप हल करोगे तो 3 गुणा 7 21 पाई माइनस 2 पाई बटे 3 19 पाई बटे 3 ही लिखा हुआ है ये। तो अभी आप ये देखो कि एक फॉर्मूला और भी आपने सीखा था कि 10 में यदि 2n पाई माइनस थीटा आपके पास होगा तो यहां पर 2n पाई की बजाय 7 पाई है, तो आप देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, अर्थात ये आपके पास माइनस का 10 थीटा होगा। तो अभी आप ये देखो कि 2n प्लस 1 इस फॉर्म में ही है, क्योंकि 2n प्लस 1 मतलब एक विषम संख्या, तो देखिए 7 एक विषम संख्या है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10 और आप थीटा को लिख देंगे अर्थात 2 पाई बटे 3 के बराबर। तो अभी आप देखो माइनस, या तो अगर आपको 10 2 पाई बटे 3 याद है तो आप तुरंत वैल्यू लगा दीजिएगा, नहीं याद है तो इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 पाई बटे 3 अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली 120 डिग्री है, तो उसको आप 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या अगर रेडियन में लिखोगे तो पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 6 लिखोगे। और एक फॉर्मूला और भी आपने पढ़ा था कि 10 पाई बटे 2 प्लस थीटा आपके पास माइनस का कॉट थीटा होता है,
क्योंकि जब भी आपके पास पाई बटे दो या थ्री पाई बटे दो आएगा रेडियन में, आप तुरंत चेंज कर दोगे, तो 10 को आपने क्वार्टर में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास देखिए माइनस, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का क्वार्ट पाई बटे छः। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्वार्ट पाई बटे छः बचेगा, और क्वार्ट पाई बटे छः अर्थात क्वार्ट 30 डिग्री, जो कि आपके पास रूट 3 के बराबर ही आएगा। तो आपने देखो मेथड 1 से करो, मेथड 2 से करो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। मेथड 2 का मतलब ये नहीं है कि कोई 7 पाई ही हो रहता है, मेथड 2 का समझाने का उद्देश्य यही था कि आप कोई भी किसी भी तरीके से इस 19 पाई बटे 3 को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा और एक बार मैंने ये करके लिखा दिया है, ऐसे ही मैं अनंत तरीके से इस 19 पाई बटे 3 को लिख सकता हूँ। लेकिन आप यदि आप सही आंसर करेंगे, अर्थात अगर आप सही फॉर्मूले लगाएंगे, तो आपके पास हमेशा उत्तर अंत में बिल्कुल समान आएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए साइन -11π/3 का। तो देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूले लगेंगे उसको फॉर्मूले को लिखेंगे। तो आपने पढ़ा था कि साइन -θ अगर लिखा हो तो आप माइनस चिन्ह को बाहर ले लेते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं, अर्थात साइन -θ आपके पास माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो आप देखिए आप इसमें भी माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन 11π/3। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास 11π/3 आ गया, तो 11π/3 को सरल करने पर आपके पास आ जाएगा 3 सही 2/3π। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस साइन में आपके पास देखिए 3π + 2π/3 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो 3π + 2π/3 है, अर्थात माइनस का साइन 3π को आप लिख सकते हो 2π + π + π/3। तो अब आप देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि साइन में π + θ आपके पास माइनस साइन थीटा होता है। तो देखो सॉरी साइन 2π + θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो ये आपके पास साइन 2π + θ प्लस का साइन थीटा रहता है। तो यहां से देखिए साइन 2π + θ अगर आप इसको मान लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये चल रहा है, और साइन थीटा अर्थात साइन π + π/3। अभी आप ये देखिए कि आपने एक फॉर्मूला ये और पढ़ा था कि साइन में π + θ आपके पास माइनस साइन थीटा होता है। तो आप देखिए यहां से साइन पाई प्लस, अगर आपने इसको थीटा माना तो देखिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो देखिए माइनस तो ये पहले से चल रहा है और आपने इसका मान लिख दिया माइनस का साइन थीटा अर्थात π/3। तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर तो प्लस हो गया, साइन π/3 आपके पास हो जाएगा, और साइन π/3 अर्थात साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास अंडर रूट का 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 9 का उत्तर अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। चलिए अब हम इस प्रश्नावली 3.2 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। यहां पर बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए कॉट में -15π/4। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट -θ आपके पास हो जाता है माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। तो अभी आप देखो आप इसको लिख सकते हो माइनस का कॉट 15π/4। तो अभी आप ये देखो कि 15π/4 को अगर आप थोड़ा डिवाइड करके लिखोगे तो 15π/4 आपके पास हो जाएगा 3 सही 3/4π। इसका मतलब माइनस का कॉट 3π + 3π/4। तो आप देखिए माइनस का कॉट आप इसे लिख सकते हो 2π + π + 3π/4। तो आपके पास ये देखिए कि 2π + θ कॉट में आपके पास कॉट थीटा के बराबर ही आएगा, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला सीखा ही है। तो यहां से 2π अगर आप इतने को थीटा मान लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये पहले से ही चल रहा है, कॉट थीटा अर्थात π + 3π/4। तो अब आप देखिए कि आपके पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि आपने पढ़ा था कॉट π + θ बराबर आपके पास कॉट थीटा ही होता है। तो देखिए अगर आप इसको थीटा मानोगे तो देखिए कॉट π + θ आपको दिख गया, अर्थात अब आप कॉट थीटा के बराबर लिखोगे तो 3π/4 आ गया। और देखिए कॉट 3π/4 को आप लिख सकते हो माइनस, तो देखिए पहले से चल रहा है कॉट 3π/4 आपके पास π/2 + π/4 आ जाएगा। अब यहां पर यह संदेह हो सकता है कि हमने कैसे पहचाना कि π/2 + π/4 लिखेंगे। तो आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि
पाई बटे चार को यदि आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 135 डिग्री आएगा। तो 135 को आप 90 प्लस 45 लिख सकते हो, तो 90 को मैंने पाई बटे दो लिखा और 45 को पाई बटे चार लिख दिया। तो आपके पास देखिए एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था कि कॉट में पाई बटे दो प्लस थीटा आपके पास -10 थीटा के बराबर आएगा। तो यहां से देखिए पाई बटे दो प्लस थीटा अगर मैं इसको मान लेता हूं तो ये माइनस कॉट पाई बटे दो प्लस थीटा आ गया। तो देखिए माइनस चिन्ह तो पहले से ही चल रहा है, अब आप इसको लिखेंगे माइनस का 10 पाई बटे 4, और आप देख सकते हो माइनस और माइनस तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा गुणा होके, तो आपके पास केवल बचेगा 10 में पाई बटे 4, और आप 10 पाई बटे 4 का मान जानते हैं, एक स्टैंडर्ड मान होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर 1 आ जाएगा। अब देखिए मैंने एक तरीके से तो ये बता दिया, अब मैं इस माइनस का कॉट 3 पाई बटे 4 को किसी दूसरे मेथड से भी हल करके आपको बता देता हूं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो माइनस तो चल ही रहा है कॉट, अब 3 पाई बटे 4 को आप पाई माइनस पाई बटे चार भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और भी आपने पढ़ा था कि कॉट में पाई माइनस थीटा आपके पास माइनस का कॉट थीटा होता है। तो आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा माइनस, तो देखिए पहले से चल रहा है, और ये आ गया माइनस का कॉट पाई बटे चार। फिर देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो आपके पास कॉट पाई बटे चार ही बचा, और कॉट पाई बटे चार का मान आप जानते हैं, एक स्टैंडर्ड मान 1 आएगा। तो आपने देखा चाहे आप यहां से निकालें चाहे दूसरे तरीके से निकाल लें, आंसर हमेशा सेम ही रहता है।